एक और जहां लॉकडाउन ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, वहीं स्कूल प्रबंध अपनी तानाशाही से पास नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विवादों में घिरे रहने वाले वेदांश इंटरनेशनल स्कूल की, जहां एक जागरूक पालक के द्वारा सवाल पूछे जाने पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चे की टीसी कोरियर से ही भेज दी। वो पालक और कोई नहीं, इंदौर में रक्त दूध और गरीबों की सेवा में सतत रूप से सेवारत अमित सिकरवाल है, जो कि गंगा पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। लॉकडाउन के पहले दिन से ही अमित ने जरूरतमंदों को भोजन और राशन घर घर पहुंचाया। ऐसे जनसेवक को जनसेवा का ऐसा फल मिला कि अपने बच्चे की टीसी ही घर पहुंच गई। अमित सिकरवाल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बच्चों और पालकों के हित में सोशल मीडिया पर स्कूल प्रबंधन से सवाल पूछे। बस फिर क्या था, ताबड़तोड़ स्कूल द्वारा अमित के बच्चे प्रथमेश सिकरवाल की टीसी कोरियर से घर पहुंच गई। टीसी मिलने पर जब अमित स्कूल पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आप अपना मोबाइल बाहर रखकर ही अंदर जाओ, मानो जैसे स्कूल नहीं सीबीआई की इंक्वायरी में गए हो। अब अंदर बंद कैबिन में स्कूल प्रबंधन किस तरह का व्यवहार करेगा, इसका तो भगवान ही मालिक है। इंदौर से धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। मैडम, आपके मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, फोन अभी मुझे आप बोल रहे हैं फोन रख दीजिए। आप क्या, उस दिन जिन भी सज्जन ने मुझसे बात की, मुझे बोलिए यहाँ आइए हम आपसे बात करते हैं, हम आपको बताते हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरी सुरक्षा के कारणों से मैं मोबाइल चालू रखना चाहता हूँ। सर हम लोग सब है ना सर, आप यहाँ से तो आपका मोबाइल कहीं जाएगा नहीं। नहीं, मोबाइल की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। ये स्कूल है, दिस इज अ नोबल प्लेस। मैडम नोबल प्लेस है, लेकिन जिस तरह की बात फोन पे की गई है मुझसे अभी कुछ दो दिनों पहले, तो मुझे विश्वास उठ गया है कि मेरे साथ कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है आपके द्वारा, इसलिए मैं फोन नहीं रख पाऊंगा।